आज यूपी रे तृतीय पर्याय एवं पंजाब रे समस्त विधानसभा आसन पई निर्वाचन अनुष्ठित होछि। उत्तर प्रदेश रो 16 टी जिल्ला रो 69 टी आसन एवं पंजाब रो समस्त 117 टी जक विधानसभा आसन पई मतदान आरंभ होछि। सकाळ 7:00 रु संध्या 7:00 पर्यंत मतदान जारी रहिबो। एही पर्याय रे उत्तर प्रदेश रे मोट 627 जन प्रार्थी निर्वाचन लड़ुवा बेले 2,15,00,000 लोक मताधिकार सब्यस्त करुछन्ते। उत्तर प्रदेश में 16 जिलार 69 सीट मध्य कन्नौज, इटावा, हाथरस, फिरोजाबाद, मौनपुर, फारुकाबाद जिला रही। पंजाब में समस्त 117 आसन 1,304 जन प्रार्थी निर्वाचन लड़ुवा बेले 2,14,00,000 लोक 24,699 वोट ग्रहण केन्द्र में निजर मताधिकार सब्यस्त कर। पंजाब रे प्रमुख प्रार्थी मध्य मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी चमकर आसन निर्वाचन लड़ुवा बेले पंजाब कांग्रेस मुख्य नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर पूर्व निर्वाचन लड़ुंट। पूर्वतन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाल आसन निर्वाचन लड़ुवा बेले सुखविंदर सिंह बादल जलालबाद आसन लड़ुंट। निर्वाचन में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अधीन कांग्रेस क्षमता को फेरवा को आशा रखिता बेले भारतीय जनता पार्टी कैप्टन अमरिंदर सिंह नेतृत्वाधीन पंजाब लोक कांग्रेस एवं सुखदेव सिंह धिंसा नेतृत्वाधीन शिरोमणि अकाली दल निर्वाचन मैदान को ओ बाबद अधिक आलोचना पंजाब रिपोर्टर गगन विश्वाल आम सहित जोड़ सीधासख गगन वर्तमान किभली चली भोटिंग निश्चित भाव माधुरी बर्तन कही रखा चाहे बर्तन 8 समय धार्य कराई आ मात्र के समय पर ये भोटिंग आरंभ हो। बर्तन मु पटियाला जो कैप्टेन अमरिंदर सिंह घर पाख बूथ बर्तन रही जो स्टेट कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो रही जोटा कि मॉडल बूथ भाव आपको डेवलप कराई देखापी चाहिए मॉडल बूथ चित्र बर्तन देखिए जो ऑफिसर मान रही आसिकी पहुँचुंत पूरा पंजाब पुलिस और जो सीआरपीएफ जवान मान रही ये मतदान केन्द्र को जगी रही जी पूरा पंजाब कथा कह तेज निश्चित भाव 23 जिलार जो 117 विधानसभा सीट रही पाखापाखि 24,699 मतदान केन्द्र कराई और पटियाला जेहेतु रही तेणु निश्चित भाव पटियाला जी कह 122 पुलिंग बूथ कर जो थे 56 मॉडल बूथ रही 56 मॉडल बूथ मध्य माधुरी 6 एमती बूथ कर जोटी संपूर्ण दायित्व महिला हाथ रही तेणु निश्चित भाव और 30 जो प्लाटून पुलिस फोर्स रही या सहित अतिरिक्त जो सीआरपीएफ जवान मैंने मृत्युयन होती तेज निश्चित भाव शांति श्रृंखलार सहित भोटिंग कौन सी प्रकार अप्रीतिकर परिस्थिति को यदि कहे से बरदास्त करेंगे ना गत काली एसएसपी प्रतिक्रिया नहीं डेप्युटी कमिशनर प्रतिक्रिया नहीं सीधा सड़क से चैलेंजेस कर जो मैंने भी अप्रीतिकर परिस्थित करने कि भी प्लान करेणु से सबुरु निवृत्त रुहतु पूरा शांति श्रृंखलार सहित भोटिंग हम एमती गुड़े चैलेंजेस डेप्युटी कमिशनर देखते कहार किसी मोट थी आउ गोटे कथा एड करने जो मॉडल बूथ रही सबू बूथ्र 200 मीटर रेडियस पर्यंत कौन सी पॉलिटिकल नेता बातर जनप्रतिनिधि आसीपारे ना आम देखीचु ओडिशा में पंचायत निर्वाचन में कमि गंडगोल परिस्थिति सृष्टि होती तेणु आखिआगर रखिकी से जो भोटदान केन्द्र रही तार 200 मीटर रेडियस भितर को कौन सी जो केवल भोटर भोटर छड़ा अन्य माने कौन सी जो नेता जनप्रतिनिधि रही आसीपारे ना तेणु मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को कठिन भाव में लागू करधार भोटिंग हे ये जो मॉडल बूथ रही ये जो प्रथम 10 जन भोटर आसवे तेणु से गोटे सर्टिफिकेटर व्यवस्था करवस्था कराई जे निश्चित भाव अधिक रु अधिक भोटिंग परसेंटेज वृद्धि करने भोटर मान गोटे सेमती आग्रह सृष्टि करने व्यवस्था कर तो निश्चित भाव ये गोटे स्वागत योग्य पदक्षेप कहुपे और जो दिव्यांग मान रही से ह्विल चेयर व्यवस्था कराई ह्विल चेयर से आसवे से गोटे सर्टिफिकेटर व्यवस्था कराई आप देखिपे जो सामने सेल्फी पॉइंट रही जो माने न्यू भोटर्स रही जेहेतु गोटे सेल्फी रो जमाना रही तेणु से चाहिए सेठी सेल्फी नहीं पारे सेल्फी रो व्यवस्था रही आउ किस समय पर रेड कारपेट बिछा जाए रेड कारपेट जेहेतु मॉडल बूथ रही तेणु रेड कारपेट रे लोक मैंने आसवे भोटिंग देवे और पूरा बूथ भितर दृश्य मुझे गत काली देखी बर्तमान भितर को एलाउ करना हूँ तो किस समय पर एलाउ कले मुझे भितर दृश्य देखेबी बर्तमान प्रिपेरेसन मोड रही तो निश्चित भाव पूरा बेलून में सजा जाइए भितर कारपेट बिछा जा
କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ୍ର ଗୋଟେ କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ଖତରା ରହିଛି ତେଣୁ ସିଟ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ପାଖାପାଖି 20 ଜଣ ଭୋଟର ଭିତରେ ୱେଟ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ 6 ଫୁଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ସବୁ ସିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି ତାର ମଧ୍ୟ କହିବି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଦିତ୍ୟକୁ ଦେଖେଇବେ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ୱେଟିଂ କରିପାରିବେ ଯଦି ଭିତରେ ଅଧିକ ଜନଗହଳି ଥିବ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବାହାରର ଯେମିତି ଜନଗହଳି ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଭିତରେ 2ଟି ଟେଣ୍ଟ ଲଗାଯାଇଛି ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଆମେ କହିପାରିବା ପଞ୍ଜାବ ପଟିଆଲାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ କେମିତି ଭୋଟିଂ କରାଯିବ ସେ ସବୁ କଥାକୁ ନଜର ରଖିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିପାରେସନ କରାଯାଇଛି ଅପେକ୍ଷା ରହିବ ଭୋଟିଂ ଯେତେବେଳେ 8ଟା ବେଳେ ହେବ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହେ ଯେଉଁ ଅପରାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଭୋଟିଂ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ବଢ଼େ ତେଣୁ ଫାଷ୍ଟ ହାଫ୍ରେ କେମିତି ଭୋଟିଂ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ କେମିତି ଭୋଟିଂ ହେଉଛି ତାପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ନଜର ଏବଂ ଦିନ ତମାମ ମଧୁରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପଟିଆଲାର ବିଭିନ୍ନ ବୁଥରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡେଟ୍ ଦେବି ବିଲକୁଲ ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଲଗାତାର ଭାବେ ଯୋଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିବୁ ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ସ୍ଥାନରୁ କିଭଳି ନିର୍ବାଚନୀ ଭୋଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେଠାରେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟିଂ ହୋଇଛି ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରୁ ଅପଡେଟ୍ ନେବୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପଞ୍ଜାବରୁ ଆମ ସହିତ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିଲେ